जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। पहली अपडेट में जानेंगे राहुल गांधी की संसद में बहाली पर तकरारा, लोकसभा सचिवालय करेगा कागजात की जांचा, कांग्रेस ने कहा कि बिजली की रफ्तार से होना चाहिए काम। तो उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा ISI की तरह भारत में राजनीति को प्रभावित कर रही ED। तो वहीं PM मोदी ने विपक्षी दलों पर बोला बड़ा हमला, बोले ना तो कुछ करेंगे और ना ही करने देंगे। तो वहीं राहुल गांधी की सदस्यता बहाली ना होने पर संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी से डर सरकार। तो उधर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को सेशन कोर्ट से लगा बड़ा झटका, समन पर रोक लगाने से कर दिया इनकार। तो वहीं ज्ञानवापी परिसर में जारी सर्वे के बीच मुस्लिम पक्ष ने दे दी बहिष्कार की चेतावनी। तो वहीं आदिवासियों के गढ़ से 9 अगस्त को चुनावी शंखनाद करेंगे राहुल गांधी। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी की सांसद अभी तक बहाल नहीं हुई है, इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है और कहा कि ये काम बिजली की रफ्तार से तेज होना चाहिए। मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के एक दिन बाद लोकसभा सचिवालय ने शनिवार को इस बात की पुष्टि की कि उसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 पत्र मिले हैं। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाली पर फैसला लेने से पहले उनके दस्तावेजों की सोमवार को जांच की जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की अयोग्यता का नोटिस सूरत की अदालत से दोषी ठहराए जाने के 26 घंटे के भीतर ही जारी कर दिया गया था और इसीलिए उनकी सदस्यता भी उसी तेजी से बहाल की जानी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पर लोकसभा सचिवालय के एक पदाधिकारी ने कहा कि दोनों स्थितियों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि सत्र न्यायालय का आदेश कार्य दिवसों के दौरान आया था जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश शुक्रवार को आया है और लोकसभा सचिवालय शनिवार और रविवार को बंद रहता है। कांग्रेस के पत्रों की जांच अब सोमवार को की जाएगी, जिसके बाद योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि दो सिद्धि पर रोक लगाए हुए 36 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, सांसद के रूप में राहुल गांधी का पद अभी तक बहाल क्यों नहीं किया गया। तो वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अदालती दस्तावेज शनिवार सुबह ही स्पीकर के सचिवालय को भेज दिए, जिसमें अनुरोध किया गया कि राहुल गांधी की बहाली बिजली की रफ्तार से की जाए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा ISI की तरह भारत में राजनीति को प्रभावित कर रही ED। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता उदित राज ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की तुलना भारत की ED से की है। उदित राज ने कहा कि जिस तरीके से ISI पाकिस्तान की राजनीति को नियंत्रित करती है अब उसी तरीके की भूमिका ED भारत में निभा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत भी पाकिस्तान मॉडल की राह पर आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने अपने एक बयान में कहा कि मैं पाकिस्तान से तुलना नहीं कर रहा, पाकिस्तान एक असफल लोकतंत्र है जिसे ISI नियंत्रित करती है, लेकिन एक तरह से देखें तो हम यह कह सकते हैं कि हम भी पाकिस्तान मॉडल की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। ED, CBI और आयकर विभाग वही भूमिका निभा रहे हैं जो पाकिस्तान में ISI निभाती है। उदित राज ने कहा कि पाकिस्तान की राजनीति को ISI नियंत्रित करती है और यहां पर ED कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ED के डर की वजह से कई नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उदित राज ने छगन भुजबल, अजीत पवार, नारायण और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं के नाम भी गिनाए। पूर्व सांसद ने कहा कि जो नेता ED के मामले में फंसे थे वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं और उनके खिलाफ मामले बंद हो जाते हैं। जिस तरीके से ISI जिसे चाहती है सत्ता में ले आती है और जिसे चाहती है उसे सत्ता से बाहर कर देती है, उसी तरीके से भारत में ED, CBI भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रही है। अगली बड़ी खबर, PM मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले ना तो कुछ करेंगे और ना ही करने देंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 508 रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू कर दी। इसके तहत इन रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन कर रहे PM मोदी ने विपक्ष को भी जमकर सुनाया। उन्होंने कहा ये ना तो कुछ करते हैं और ना ही करने देते हैं। PM मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक बड़ा धड़ा पुराने ढर्रे पर चल रहा है। वे आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और ना ही करने देंगे, वे इसी रवैये पर अड़े हैं। देश ने आज की और भविष्य की चिंता करते हुए संसद की आधुनिक इमारत बनवाई। संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है। संसद में पक्ष और विपक्ष सबका प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो इसका भी विरोध किया गया। इन लोगों ने 70 साल तक देश के शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनवाया, हमने बनवाया, लेकिन इसकी
आलोचना की गई और इन्हें शर्म भी नहीं आई। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हर किसी को गर्व होता है। ये लोग चुनाव के समय सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन इनका एक भी बड़ा नेता आज तक वहां पर नमन करने के लिए नहीं पहुंचा। हमने देश के विकास को इस सकारात्मक राजनीति से आगे बढ़ाने का फैसला किया है और इसीलिए नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठकर एक मिशन के रूप में हम चल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, कहां किसका वोट बैंक है, इस सबसे ऊपर उठकर हम पूरे देश में विकास पर ध्यान दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटे हैं। और बड़ी खबर, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली न होने पर संजय राउत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले राहुल गांधी से डर गई सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। अब उनकी संसद की सदस्यता को लेकर राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से सरकार डर गई है और डर रही है। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत ही स्पीकर ने उन्हें निलंबित कर दिया था और उनके घर से निकाल दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर स्टे लगा दिया है। आज उस फैसले को आए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन स्पीकर कह रहे हैं कि उन्हें अभी स्टडी करनी है। संजय राउत ने कहा कि क्या हटाने से पहले आपने स्टडी की थी, आज क्या कर रहे हो, क्या आपको उस विषय पर पीएचडी करनी है। संजय राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा अध्यक्ष को राहुल गांधी की अयोग्यता को अब रद्द कर देना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी राहुल गांधी से डर गई है। और बड़ी खबर, ज्ञानवापी परिसर में जारी सर्वे के बीच मुस्लिम पक्ष ने दे डाली बहिष्कार की चेतावनी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने रविवार को तीसरे दिन ज्ञानवापी परिसर में पुरातात्विक सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने सर्वेक्षण को लेकर झूठी खबरें प्रसारित किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रक्रिया से अलग होने की कड़ी चेतावनी दे डाली। इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद की रखरखावकर्ता अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने बताया कि सर्वे को लेकर उच्चतम न्यायालय का आदेश आने के बाद मुस्लिम पक्ष दूसरे दिन के सर्वेक्षण में शामिल हुआ और आज भी उसके वकील सर्वे में मौजूद हैं। लेकिन सर्वे को लेकर जिस तरीके की बेबुनियादी बातें फैलाई जा रही हैं, अगर उन्हें नहीं रोका गया तो मुस्लिम पक्ष सर्वेक्षण का फिर से बहिष्कार कर सकता है। यासीन ने आरोप लगाया कि शनिवार को सर्वे के दौरान मीडिया के एक वर्ग ने अफवाह फैलाई कि मस्जिद के अंदर तहखाने में मूर्तियां त्रिशूल और कलश मिले हैं, जिससे मुस्लिम समाज आहत है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके की हरकतों पर लगाम नहीं लगी तो मुस्लिम पक्ष एक बार फिर सर्वे का बहिष्कार कर सकता है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को मिली राहत के बाद सत्यपाल मलिक ने दिया पहला बयान, बोले मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी आप बहुत जल्द संसद में वापसी करेंगे और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत हो गई, राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे में सजा पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत के योग्य है, यह सच्चाई एवं न्याय की जीत है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी आप बहुत जल्द संसद में वापसी करेंगे और जनता के मुद्दों को बड़ी मजबूती से उठाएंगे। अगली बड़ी खबर, राहत मिलते ही चुनावी मोड में आ गए राहुल गांधी, आदिवासियों के घर से 9 अगस्त को करेंगे चुनावी शंखनाद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में 4 महीने के भीतर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी अपनी सरकार बनाने और कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में लगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत योजनाएं लाकर वोटरों को रिझा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नहीं सहेगा राजस्थान अभियान से अपने तेवर दिखा रही है। राजस्थान की राजनीति की अभी की बात की जाए तो आदिवासी वोटर्स पर दोनों पार्टियों की निगाहें टिकी हैं। इन दोनों दलों के केंद्र नेतृत्व की बात करें तो बीजेपी से पीएम नरेंद्र मोदी आदिवासियों की आस्था के सबसे बड़े धाम मानगढ़ से अपनी सभा कर चुके हैं। कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपना चुनावी शंखनाद आदिवासियों के आस्था के धाम मानगढ़ से कर दिया है। अब कांग्रेस भी अपना चुनावी शंखनाद मानगढ़ धाम से ही करने वाली है। 9 अगस्त को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की बड़ी सभा मानगढ़ धाम में होने जा रही है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने दिन भी बड़ा सूझबूझ कर रखा है। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस है। कांग्रेस नेतृत्व इस सभा के लिए पूरे तरीके से तैयारियों में जुटा है। आपको बता दें कि 9 अगस्त को राहुल गांधी मानगढ़ धाम से चुनावी शंखनाद करेंगे।
अगली बड़ी खबर, टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले नूह मणिपुर हिंसा पर चुप क्यों हैं पीएम मोदी, संसद में आए और जवाब दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के फैसले के बाद पूरे विपक्ष में खुशी का माहौल है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इसे विपक्षी गठबंधन इंडिया की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने रविवार को कहा कि सरकार ने बदले की राजनीति से राहुल गांधी के खिलाफ पैसा किया था। आने वाले दिनों में संसद के भीतर और ज्यादा तमाशा होगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि आपने बदले की राजनीति से भारत जोड़ो यात्रा के हीरो राहुल गांधी के साथ ऐसा किया। बंगाल की टाइग्रेस ममता बनर्जी ने इंडिया और राहुल गांधी को कितना सपोर्ट किया। इन लोगों के सारे सपोर्ट के बावजूद बौखलाई हुई सत्ता ने राहुल गांधी जी को आनन फानन में 24 घंटे के अंदर निकाल भी दिया, सदस्यता भी खारिज करवा दी और घर भी खाली करवा दिया। अब राहुल गांधी की वापसी इस तरीके से आना, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद समर्थन और न्याय से, एक बार फिर न्यायिक प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ गया है। ये पूरे विपक्ष इंडिया की जीत है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव और संसद में पीएम नरेंद्र मोदी की उपस्थिति पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि अविश्वास प्रस्ताव किया तो गया है लेकिन कुछ पता नहीं कि प्रधानमंत्री आएंगे अथवा नहीं आएंगे, जवाब देंगे अथवा नहीं देंगे। अविश्वास पत्र जीत और हार के लिए नहीं है बल्कि एक्सपोज करने के लिए है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी संसद में आए और तुरंत जवाब दें। अगली बड़ी खबर, धारा 370 रद्द करने को लेकर मोदी सरकार पर जमकर भड़की कांग्रेस पार्टी, कहा पूरे भारत में स्वतंत्रता का कर दिया दमन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने रविवार को सरकार पर पूरे भारत में स्वतंत्रता का दमन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू कश्मीर में शांति आई है जबकि पूरे भारत में स्वतंत्रता का दमन किया गया है। इतना ही नहीं, सबसे गंभीर दमन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुआ है। आपको बता दें कि गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की वर्षगांठ के मौके पर सरकार ने शनिवार को इस बात पर प्रकाश डाला है कि इस ऐतिहासिक फैसले से जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की शुरुआत हुई है। उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कहा कि अनुच्छेद हटने के बाद सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जम्मू कश्मीर के आम लोग अब अपनी मर्जी के मुताबिक जीवन जी रहे हैं। इसी पर पलटवार करते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार और जम्मू कश्मीर के एलजी अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद राज्य में आई शांति का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने पूछा कि अगर जम्मू कश्मीर में इतनी शांति है तो सरकार ने महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद क्यों कर दिया है, साथ ही पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को सील क्यों कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे भारत में आजादी का दमन कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को सेशन कोर्ट से लगा बड़ा झटका, समन पर रोक लगाने से कर दिया इनकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को मानहानि से जुड़े मामले में अंतरिम राहत देने से सेशन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। सेशन कोर्ट ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट द्वारा जारी समन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल और पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। केजरीवाल और संजय सिंह पर पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने का आरोप है। आपको बता दें कि मामले में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को 11 अगस्त 2023 को अदालत में हाजिर होने का समन जारी किया है। इसके खिलाफ सत्र न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी जिसे शनिवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया। आपको बता दें कि केजरीवाल अब सुनवाई से पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, अंजू ने पाकिस्तान से अपने पति को दे डाली बड़ी धमकी, कहा मैं यहां से कुछ भी करवा सकती हूं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से मिलने भारत से पाकिस्तान गई अंजू लगातार सुर्खियों में है। इधर राजस्थान के अलवर स्थित भिवाड़ी में रहने वाले अंजू के पति अरविंद से उसका विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच खबर है कि अंजू ने पाकिस्तान से फोन करके अपने पति अरविंद को बड़ी धमकी दे डाली है। अंजू ने पाकिस्तान से अपने पति को फोन करके धमकी दी और कहा कि यहां से मैं कुछ भी करवा सकती हूं। आपको बता दें कि अंजू की धमकी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान बड़ी साजिश रच रहा है। अगली बड़ी खबर, यूपी से बिहार तक खूब होगी बरसात, आईएमडी ने 10 राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में 9 अगस्त तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में रविवार को बारिश होगी, साथ ही दक्षिण भारत में अगले 5 दिनों तक कम बारिश होगी। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहे।
रहेंगे और हल्की बारिश होगी। वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी आने वाले 5 दिनों में बारिश की गतिविधि में वृद्धि होने की संभावना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान और जम्मू सहित उत्तर पश्चिम भारत में 9 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश, काफी व्यापक रूप से छिटपुट भारी बारिश होने की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।